3 दशक समर्थ 3 दशक से बेसी भेला बेसी भ गेल ओते दिन पहले जे बलिदान दिलथि ओ बलिदान देव काल में हुनका मन में ई अवश्य रहल हतन जे हमर बलिदान सँ नहि हो हर्षित हमने एसगर छी अहाँ के शान ढाहत मृत्यु हमरे हमने एसगर छी ई मान लिय ओहि समय में जे मतलब भाव हुनका मन में रहल हतन ओ आइ ओतेक दशक के बाद आइ उद्वेलित क के लोक के मतलब आखिर गणतंत्र के रास्ता पर लाबिए दिलखिन ओहि में और बहुत शहीद सबके योगदान रहल हन। नाटक के जहाँ तक मतलब कला के पक्ष छै संवाद के पक्ष छै ओहि में नाटक के कहल जाय छै जे काव्येषु नाटकं रम्यं काव्य में नाटक जे छै से सबसँ उच्च छै एकरा पाँचम वेद सेहो मानल जाय छै। कोनो मानि लिअ कविता सुनै छी तऽ कानसँ सुनै छी ओ श्रवण मार्गसँ जाकऽ मस्तिष्क के प्रभावित करै छै लेकिन नाटक जे छै से श्रवण मार्ग एवं चक्षु मार्ग दुनूसँ जाकऽ मस्तिष्क के प्रभावित कयलक एवं हृदय के उद्वेलित कयलक। एहि हिसाबसँ ई भाव मानि लिअ जै ढङ्गसँ कलाकार सब प्रस्तुत कयलथि निश्चित रूपसँ दर्शक सबके निके प्रभावित मात्र नहि भावुक। एहिमे संवादसँ बेसी भावनाके पक्ष संवादके पक्षमे कनि परिमार्जन करी तऽ हमरा लागैए जे आओर नीक हैत। भावनाके पक्ष बेसी उच्च संवादके पक्षके आओर परिमार्जन करऽके जरूरी छै। एतेक कहैत हम सब गोटेके हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करै छी। धन्यवाद।